वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर हॉल वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है ऑल अबाउट नायका कॉटन कुर्ती सेट्स, जो कि मैंने ऑर्डर करे हैं इन वेरी बजट, बहुत ज्यादा सुपर अफोर्डेबल एंड सभी का जो प्राइस रेंज रहेगा वो रहेगा लगभग 1000, 1200, 1400 इतना ही रेंज रहेगा। एंड मैंने डिफरेंट डिफरेंट से ऑर्डर करे हैं। इन शॉर्ट वीडियो को बनाएंगे, ज्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे, ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी अपना। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So, सबसे पहले कुर्ती सेट को देखते हैं। ये वाला कुर्ती सेट जो है, मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा, ग्रीन एंड ब्लू कलर टोन का है, कॉन्ट्रास्टिंग कलर में है। एंड इसकी डिटेलिंग वगैरह की अगर आपको बात करूं तो इसकी डिटेलिंग बहुत अच्छी है। जैसे इसका अगर आप नेक देखोगे ना, आपको ऐसे हाफ बैंड नेक में मिलेगा, सेंटर में ऐसे बटन लगे हुए हैं छोटे छोटे से, जो कि काफी स्मार्ट लग रहे हैं। मुझे इसकी बेस्ट पार्ट क्या लगी थी, इसका स्लीव्स का पैटर्न भी अच्छा था, एकदम बेसिक स्लीव्स की बजाय जो इसके स्लीव्स के अंदर पैटर्न दे रखा है, दैट इज रियली नाइस। बिल्कुल ऐसा कफ है विद द पाइपिंग डिटेलिंग और सेंटर में इस तरीके से कॉन्ट्रास्टिंग कलर के साथ इन्होंने दे रखा है, जो कि आपको पैंट्स का मटीरियल दिया है इन्होंने। आई एम रियली लाइकिंग इट। बिल्कुल स्ट्रेट कुर्ती है, मैंने इसे वेयर किया हुआ है एंड जो साइज मैंने इस टाइम पर वेयर किया हुआ है वो है लार्ज साइज। सो आप अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा इसको देख सकते हैं कि आपको किस तरीके की इसकी फिट आएगी। पैंट्स की बात करूं, जो आपको पैंट्स मिलेंगी वो इसके साथ है, फ्रंट बेल्ट है एंड पीछे इलास्टिक है एंड इस पैंट के अंदर पॉकेट्स है, प्रिंटेड कॉन्सेप्ट के साथ है एंड इसका जो मटेरियल दे रखा है दैट इज लाइक कॉटन मिक्स मटेरियल है, एकदम सूती वाला कॉटन भी नहीं है, 100% कॉटन ही है, थोड़ा सा मिक्स है ब्लेंड के साथ, बट द दुपट्टा इज रियली नाइस। समर्स के अकॉर्डिंग मुझे ये सूट बहुत प्यारा लगा एंड आई थिंक कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है। एंड इसका जो प्राइस रेंज है दैट इज सुपर अफोर्डेबल, जस्ट 1050 का पड़ रहा है एंड इस टाइम पर बहुत अच्छे डिस्काउंट्स लगे हुए हैं नायका पे एंड ट्रूली मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी फिनिशिंग वाइज। सभी लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, सो हरी अप एंड बाय फ्रॉम देयर। सो दिस वन इज द सेकंड कुर्ती सेट एंड इस बार मैंने जो कुर्ती सेट ऑर्डर करे ना, इस बार बिल्कुल ऐसा रखा है कि अफोर्डेबल रेंज हो ताकि हर कोई इसे परचेज कर सके, प्लस जो ऐसी चीजें हो जो कि आई थिंक काफी सारे लोग इसे वेयर कर सकते हैं। कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए सुपर्ब है, हाउसवाइफ्स के लिए अच्छा है, कहीं पर भी आप लोग इसे वेयर करके जा सकते हैं। ये वाला कुर्ती सेट देखोगे, इसका कलर इज वेरी नाइस, बहुत अच्छा सा लग रहा है, ठंडा ठंडा सा, जैसे कहते हैं ना समर्स में वेयर करने के लिए। पीचिश पिंक के साथ कॉम्बिनेशन है एंड ग्रीन के साथ इसका प्रिंट के साथ हाईलाइटिंग दे रखी है, जो कि अच्छी लग रही है। नेकलाइन की बात करें तो नेकलाइन में इस तरीके से योक वाली पट्टी दी हुई है एंड उसके ऊपर इस तरीके से बटन्स लगे हैं, जो कि काफी स्मार्ट लग रहे हैं, बट आई डोंट नो व्हाई इन्होंने जो बटन्स लगा रखे हैं उसके नीचे ना इस तरीके से निशान दिख रहे हैं मुझे अभी, जो कि मैंने पहले नहीं नोटिस करा था बट अभी दिख रहा है। थोड़ा सा आपको क्लोजअप में दिखा रही हूँ, इस तरीके के ब्लू कलर के मार्क्स एंड मे बी आई थिंक वॉश करके चला जाए, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। बट एनीवेज इसके प्रोडक्ट को देख लेते हैं। स्लीव्स वगैरह बिल्कुल सिंपल है, मतलब इसके ऊपर कुछ नहीं है, कोई कफ वगैरह की कोई पट्टी वट्टी कुछ नहीं लगी हुई, सिंपल सी स्ट्रेट कुर्ती है। इट लुक्स रियली नाइस। एंड इसका जो पजामा है या पैंट्स कह लो वो भी देख लेते हैं। जो पैंट्स का इन्होंने प्रिंट दे रखा है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग में है, व्हाइट के ऊपर इस तरीके से पीच कलर का प्रिंट है, स्ट्रेट फिटिंग में ये पैंट आती है, आगे से बेल्ट पीछे से इलास्टिक एंड इसके अंदर भी पॉकेट है, तो आई थिंक ये पॉकेट वाला कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है। दुपट्टे को आपको थोड़ा सा ओपन अप करके दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली इसका थोड़ा प्रिंट अच्छे से दिखे। सेंटर में देखोगे तो बिल्कुल पैंट्स वाला ही प्रिंट है, नीचे से इस तरीके से ऐसे बॉर्डर दे रखा है जो कि अच्छा लग रहा है एंड आई रियली लाइक इस तरीके से कॉटन वाले दुपट्टा, जो कि मतलब अच्छे लगते हैं वेयर किए हुए। एंड इसका भी जो प्राइस रेंज है ना वो भी बिल्कुल सेम ही है, 1050 का ही आपको पड़ेगा एंड मैंने इसका लार्ज साइज वेयर किया हूँ एंड दिस वन इज वन ऑफ माई फेवरेट्स। जब इसे मैंने पिक्चर में देखा था मुझे बहुत अच्छा लगा था, बेसिकली इसका कलर मुझे अच्छा लगा था समर्स के अकॉर्डिंग, लेवेंडर कलर टोन का है, बड़ा अच्छा सा मतलब डिसेंट सा कलर है, सटल सा। अगर इसकी डिटेलिंग की अगर आपको दिखाऊं तो इसकी डिटेलिंग इस तरीके से है कि आपको सेंटर में बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के साथ आपको एक सिंपल सी पट्टी दे रखी है जो कि अच्छी लग रही है एंड स्लीव्स वगैरह बिल्कुल सिंपल प्लेन है, एक पाइपिंग इन्होंने उसी कलर के साथ दे रखी है, बट मैंने इसे वेयर किया हुआ है, अगर आप देखोगे तो पहना हुआ ये अच्छा लग रहा है, बट इसकी जो घेरा है ना वो काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल सटल सा वर्क दे रखा है घेरे के ऊपर, इस तरीके का कटवर्क है, वाइड थ्रेड के साथ पूरी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, थोड़ा सा शिमरी वाली चीज़ भी नज़र आ रही है जो कि मैंने अभी जस्ट नोटिस करी। एंड इस सूट का जो मटीरियल है वो भी कॉटन ब्लेंड ही है जो पहले वाले सूट्स के अंदर मैंने आपको दिखाया, बट इसका जो ट्राउजर अगर आप देखोगे ना, इसकी ट्राउजर्स अच्छी हैं, बिल्कुल सिंपल प्लेन है, बट ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा है कि ऊपर प्रिंटेड है तो नीचे एकदम प्लेन बॉटम दे रखा है, मुझे ऐसा भी कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है ऑल ओवर प्रिंटेड के बजाय, जैसे कि प्लेन कलर का दे रखा है एंड बैक साइड से भी अगर आप देखोगे फ्रंट बेल्ट पीछे इलास्टिक एंड पॉकेट्स वाला कॉन्सेप्ट है इसके अंदर।
इसका जो दुपट्टा है दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस सूट, मतलब बहुत अच्छा लगा इसका दुपट्टा, बिल्कुल सूती सा, जैसे सिंपल से कॉटन कुर्ती सेट्स हैं। एंड आई थिंक अभी इस टाइम पर इतनी गर्मी पड़ रही है ना, मन नहीं करता कि कुछ हैवी हैवी से पहनो, ऐसे सिंपल सा हो, फैब्रिक वगैरह तो बहुत प्यारे लगते हैं वेयर किया हुआ। प्राइस की बात करूँ तो ये जो आपको सूट पूरा कॉस्ट करेगा वो आपको करेगा 1200 के अराउंड। सभी के जो लिंक्स हैं मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। इस टाइम पर बहुत अमेजिंग डिस्काउंट्स पे, आई थिंक 50-60% पर चल रहे हैं। दिस वन इज द फोर्थ कुर्ती सेट एंड ये मैंने थोड़ा इस बार सोचा था थोड़ा ब्राइट कलर में ऑर्डर करूँ, जिससे ब्लूइश टोन का है ये। एंड अगर इसकी डिटेलिंग और ये किस तरीके के कुर्ती सेट है तो ओपन अप करके देख लेते हैं, बिकॉज मुझे भी इतना ध्यान नहीं है, मैं अभी साथ के साथ ही ओपन अप कर रही हूँ। वाओ, इसकी जो डिटेलिंग है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बिल्कुल ऐसे पाइपिंग सी दे रखी है, इसी मटेरियल के साथ ही है। और अगर इसकी स्लीव्स की बात करूँ तो स्लीव्स आपको वही 3/4 ही आएगी जो कि बाकी सूट्स में मैं आपको दिखा रही हूँ। बट इसका ये चीज़ है कि इसके आगे ना एक ऐसे पट्टी सी एक बॉर्डर दे रखा है कॉन्ट्रास्टिंग में, अदरवाइज ये कुर्ती बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रेट है, बिल्कुल प्लेन है, इसके ऊपर कुछ नहीं है घेरे वेरे पे, बट अच्छा लग रहा है वेयर किया हुआ। इसकी जो पैंट्स है वो बिल्कुल ऐसे प्रिंटेड कॉन्सेप्ट में ही, अगर इसकी पैंट्स का पैटर्न देखेंगे तो बिल्कुल आपको ऐसा प्रिंटेड कॉन्सेप्ट में ही मिलेगा, जैसे शर्ट का थोड़ा सा लाइटर में है तो पैंट्स का थोड़ा सा डार्क कॉन्सेप्ट में है। बट इसकी पैंट्स की एक चीज़ है कि इसकी पैंट्स जो है बिल्कुल स्ट्रेट वाली नहीं है, जैसे लूज लूज पजामा टाइप में है, थोड़ी पैंट स्टाइल में ही है, नीचे से नैरो है एंड एक बॉर्डर सा दे रखा है, जो कि आपको मैंने शर्ट के वो स्लीव्स के अंदर दिखाया था, बिल्कुल वही वाला पैटर्न दे रखा है फ्रंट एंड बैक साइड में। एंड इसका दुपट्टा इज वेरी ब्यूटीफुल, जैसे बाकी सूट्स के अंदर है बिल्कुल, दुपट्टा की ना सभी दुपट्टा की लेंथ बिल्कुल सही है इनके अंदर, मतलब काफ़ी अच्छी इनकी विड्थ है एंड प्रिंटेड कॉन्सेप्ट के अंदर ही है। इसका जो प्राइस रेंज है वो भी आपको 1050 ही पड़ेगा, तो आई थिंक 1050 क्वाइट डिसेंट अमाउंट है जिसके अंदर आपको इतना ब्यूटीफुल सा कुर्ती सेट मिलेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कुर्ती सेट, ये वाला जो कुर्ती सेट है ये थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न में है, मैंने सोचा ये भी मंगवा कर देखते हैं, मुझे अच्छा लग रहा था इसका पैटर्न। ये वाला जो है ना थोड़ा सा ऐसे फ्लेरी लुक में है, मतलब थोड़ा सा इसका घेरे का आपको जो बॉटम का जो घेरा मिलेगा थोड़ा सा ज़्यादा है, ए लाइन लुक में है। डिटेलिंग की बात करें तो इसकी जो डिटेलिंग है वो आपको ऐसे इस तरीके का वी नेक मिलेगा, सेंटर में ऐसे पूरी लेस लगी हुई है एंड ऐसे चोली के अराउंड ऐसे वेस्ट के अराउंड लेस सी मिलेगी, थोड़े से गैदर्स हैं जैसे देखोगे लूज फिटेड के अंदर एंड बैक साइड से भी इस तरीके से गैदर्स ही दे रखे हैं यहाँ पर। स्लीव्स की बात करें तो स्लीव्स ऐसे लूज लूज सी है, थोड़ी शॉर्ट स्लीव्स के अंदर है, मैंने सोचा था शायद इसका वो जो साइज होगा वो होगा 3/4, बट मतलब 3/4 भी नहीं है और एग्जैक्टली एल्बो वाली भी नहीं है, थोड़ी सी बीच में आती है। बट इसकी जो वो है ना लेस वगैरह वो बहुत अच्छी लग रही है ऐसे क्रोशिया वाली वाइट के साथ, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसे वेयर किया हुआ है एंड इसकी फिट जो आती है वो थोड़ी सी ऐसे लूज लूज वाली ही है, बट समर्स के अकॉर्डिंग मुझे इसका मटेरियल बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल ये 100% कॉटन है, जैसे पहले वालों में थोड़ा ब्लेंड मिक्स था बट ये बिल्कुल सूती वाला कॉटन है। नीचे अगर इसका बॉटम देखेंगे तो जो बॉटम आएगा वो ऐसे लूज वाला स्ट्रेट जैसे प्लाजोज होते हैं ना क्यूलॉट्स, वो वाली इसकी लुक है, मतलब नीचे से इसका घेरा इतना आएगा, मतलब लगभग स्ट्रेट नहीं है, हल्का सा स्लाइट ए लाइन वाली लुक के अंदर है। बट आई एम रियली लाइकिंग द कलर कॉम्बिनेशन, जैसे ब्लू के साथ इन्होंने पैरेट ग्रीन कलर का दुपट्टा दिया एंड दुपट्टा इज इन शिफॉन, मतलब शिफॉन का दुपट्टा है और नीचे अगर आप देखोगे तो वही वाली लेस लगा रखी है, सो ओवरऑल सूट क्वाइट प्यारा लग रहा है एंड मुझे अच्छा लगा, मैं ऐसे रख सकती हूँ ये वाले सूट को। एंड इसका जो प्राइस है दैट इज 1400, बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लाइट हाई है बट इसकी लुक काफी प्यारी है। अगला कुर्ती सेट को देख लेते हैं, ये वाला जो कुर्ती सेट है ये मैंने जब पिक्चर में देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसका जो कलर है दैट इज इन ब्राउन कलर टोन का है, थोड़ा सा रस्टिश कलर में है, प्रिंट वाइज देखोगे तो आपको बिल्कुल ऐसे शर्ट फ्रंट एंड बैक ऑल ओवर आपको प्रिंटेड कॉन्सेप्ट की दिखेगी। एंड इसकी जो नेकलाइन है उसमें अंदर थोड़ा सा ऐसे गोटा सा दे रखा है सेंटर में पट्टी एंड साइड में इस तरीके से सिल्वर गोटा दे रखा है। इसकी स्लीव्स की बात करें जो इसमें आपको स्लीव्स मिलेगी वो है 3/4 स्लीव्स एंड स्लीव्स में एक बॉर्डर सा एड ऑन किया हुआ है जिस इस तरीके की सिंपल सी डिटेलिंग है। एंड इसके जो स्लिट्स है ना मुझे इसकी चीज बहुत अच्छी लगी कि स्लिट्स के अंदर है ना इस तरीके का गोटा एड ऑन किया हुआ है जो कि काफी डिसेंट सा लग रहा है, सिंपल सा है बट एक छोटी सी डिटेलिंग एड ऑन हो जाती है। एंड मैंने जो इसका साइज वेयर किया हुआ है सभी का मैंने लार्ज साइज ही वेयर किया है, बार बार क्या ही बोलूं तो बता देती हूँ कि मैंने सबका लार्ज साइज वेयर किया हुआ है। सिंपल सा कुर्ती सेट है एंड पजामा इसके साथ अगर देखेंगे तो जो इसकी लुक आती है वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट वाले जो पैंट्स कह लो या पजामा कह लो वो वाला इसका पैटर्न है, प्रिंटेड कॉन्सेप्ट में है, फ्रंट में बेल्ट, पीछे से इलास्टिक एंड साइड में आपको पॉकेट्स भी दे रखी है।
दुपट्टा इसका खोलकर देख लेते हैं एक बार कि किस तरीके का प्रिंट है। विड्थ वाइज सभी दुपट्टा की काफी अच्छी लग रही है, काफी ब्रॉड दुपट्टाज हैं। ऊपर प्रिंटेड वाला ही कॉन्सेप्ट है ऑल ओवर, नीचे इस तरीके का बॉर्डर कॉन्सेप्ट दे रखा है, ऊपर है स्ट्राइप्स वाला, सो क्वाइट डिसेंट है ये भी। एंड इसका जो प्राइस है दैट इज ऑल्सो 1050, सो बहुत ही इकोनॉमिकल रेंज में है। ये है नेक्स्ट कुर्ती सेट एंड इसका जो कलर है एग्जैक्टली वो ऐसा लग रहा है जैसे मेरून पर्पल वाला कलर होता है वो लग रहा है। एंड इसके ऊपर पूरा ऐसे प्रिंटेड वाली ही चीज़ दे रखी है, अंबियों वाला कॉन्सेप्ट बना हुआ है। गले में अगर आप देखेंगे ना तो इसकी जो डिटेलिंग है गले में इस तरीके से नेकलाइन है, बिल्कुल पट्टी बॉर्डर वाला दे रखा है। एंड साइड में थोड़ा सा इंट्रिकेट सी वही समोसा वाली लेस कहते हैं इसे, उससे इसकी डिटेलिंग कर रखी है। स्लीव्स बिल्कुल सिंपल आएंगी, 3/4 स्लीव्स है, जैसे अगर आप देखोगे कि मैंने इसे वेयर किया हुआ है, स्ट्रेट फिटेड में ही ये कुर्ता है। अगर इसकी पैंट्स देखें तो पैंट्स में भी आपको सेम वही कॉन्सेप्ट मिलेगा, इलास्टिकेटेड वाली ही वेस्ट है पीछे से एंड फ्रंट से बेल्ट है, पॉकेट्स वाला कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट में प्रिंट दे रखा है। एंड इसका भी जो दुपट्टा है वो भी काफी अच्छा लग रहा है, प्रिंटेड वाला ही है सभी के अंदर जो दुपट्टा दे रखे हैं, एंड एज अ कॉन्ट्रास्टिंग के अंदर है। मैंने इसे कैरी किया हुआ है बट मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं सूट्स, बिल्कुल सिंपल से हैं, ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ, फिनिशिंग वाइज सब ओके है एंड मतलब प्यारे लग रहे हैं। मैंने नायका से पहले कभी ये सब चीज़ें ऑर्डर नहीं करी, मतलब कुर्ता सेट, सो दिस इज द फर्स्ट टाइम जो मैं इनका हॉल बना रही हूँ एंड मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे। सो नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये है कुर्ती सेट, मतलब इसके अंदर दुपट्टा नहीं है बट ये कुर्ता विद द पैंट्स है, बट ये बहुत प्यारा है गाइज। मैंने ना इसके ऊपर रील्स वगैरह भी बनाई एंड काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था इस कुर्ती सेट के बारे में। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ कर लेना, अमृत कौर महाना के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पेज है, उसके अंदर मैं काफ़ी सब चीज़ें अपडेट करती रहती हूँ लिंक्स के साथ। सो कुर्ती सेट को देख लेते हैं। कुर्ती सेट देखोगे तो आपको बिल्कुल ऐसे बड़ी बड़ा सा प्रिंट, मतलब बेसिकली बना हुआ, मेरी हिंदी कभी कभी ऐसे निकल जाती है, बड़ी बड़ा सा तो एक्सक्यूज कर देना, प्रिंटेड कॉन्सेप्ट में है। योग देखोगे तो आपको इस तरीके का ऐसे स्क्वायर में ऐसे योग बना हुआ है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऐसे प्रिंटेड वाला कॉन्सेप्ट है एंड छोटी छोटी सी लेस लगी हुई है, जैसे कह लो फूमन कहते हैं ना ऐसे, वो वाली लेस लगी हुई है बट प्यारा है। मुझे इसकी बेस्ट पार्ट जो लगी थी ना, इसकी स्लीव्स का पैटर्न बहुत प्यारा था। स्लीव्स अगर आप देखोगे ना इस तरीके से इन्होंने बीच में ना क्रोशिया वाली लेस को एड ऑन किया हुआ है जो कि बहुत प्यारी लगती है, थोड़े से ऐसे गैदर्स वाला पैटर्न भी है एंड छोटा सा एक बटन भी लगा हुआ है पट्टी के साथ जो कि प्यारा लग रहा है, डिसेंट। एंड इसकी एक चीज़ थी कि ना ये जो मैंने साइज वेयर किया वो लार्ज है, मुझे आइडियली ये थोड़ा सा लूज फिट में आया बट स्टिल मैंने इसे वेयर किया बिकॉज समर्स के अकॉर्डिंग मुझे थोड़े से लूज लूज कुर्ताज भी अच्छा लगता है। इस कुर्ते के अंदर पॉकेट भी दे रखी है साइज में एंड सेंटर में एक स्लिट्स है बट अच्छा लग रहा है वेयर किया हुआ। पजामा दिखाऊं तो इसका जो पजामा आपको मिलेगा वो आपको ऑल ओवर इलास्टिक है, स्ट्रेट इस तरीके से दे रखा है बट इसके अंदर कोई पॉकेट्स नहीं है, बट वेयर किया हुआ आई एम रियली लाइकिंग इट। इसका जो प्राइस रेंज है दैट इज 1050 ओनली, मतलब सभी का जो मैंने आपको सभी के लिंक्स जो है सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे शेयर कर दूंगी, आपको कोई भी अच्छा लगे तो हरी आप फटाफट से परचेज कर लेना। That's all for today guys. I hope आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो जिसके अंदर मैंने आपको सभी कुर्ती सेट्स दिखाए इन वेरी अफोर्डेबल रेंज। कोई भी सजेशन हो जो आप चाहते हैं जिसके ऊपर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ, कोई हॉल बनाऊँ, तो डेफिनेटली मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना एंड मिलूंगी आपसे जल्दी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।